हे धनतारा गैंगस्टर, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं UGW के एक ऐसे लोकेशन के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जहाँ पर सी वगैरह खड़ी रहती है। तो उससे तो उसको दिखाने से पहले गाइस मैं आपको एक बता देता हूँ कि फाइनल बीटा अभी के टाइम पर ख़त्म हो चुका है और बात करें गाइस ओपन बीटा आने वाला है। और काफ़ी सारे बंदों ने, मुझे पता है, गेम नहीं खेल पाए हैं, बट हाँ ओपन बीटा में सभी खेल सकते हैं मुझे लगता है। और आप सब में से कितने सारे लोग हो जो ओपन बीटा खेलने के लिए रेडी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम चलते हैं अपने लोकेशन पर। तो गाइस देख सकते हो सामने, वहाँ पर दो शिप दिख रही है बहुत बड़ी बड़ी, और हमको चलना है उस जगह पर और देखना है कि अभी के टाइम पर शिप कैसी दिखती है और अपडेट के बाद अंदर कैसा है और ऊपर के साइड हमको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। हमारा करेक्टर यहाँ उतर चुका है, देख सकते हो गाइस अभी के टाइम पर इसके अंदर अपडेट हो चुका है। और आप अगर कपड़े उतारते हो यहाँ पर करेक्टर के, तो आपको कुछ इस तरीके का टैटू देखने को मिलेगा। आप दोनों करेक्टर के ऊपर देख सकते हो कि इसी तरीके का ही टैटू मिलेगा अब जब भी गेम खेलोगे। और रही बात यहाँ पर स्ट्रक्चर पेड़ वगैरह के, काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिए पहले। हाँ, अभी के टाइम ये गेम के अंदर और भी ज़्यादा पेड़ वगैरह इंप्रूव होंगे, इनको थोड़ा और अच्छा किया जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर हमको एक व्हीकल दिख रही है, और व्हीकल भाई बहुत ज़्यादा अभी के टाइम बहुत अच्छी है, मतलब स्मूथ चलती है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जो ये रोड दिख रहा है, रोड पर मतलब ढंग से चढ़ती नहीं है अभी के टाइम भी, तो रोड के अंदर थोड़ा काम करना बाकी है। बाकी रही बात, गाड़ी तो एक नंबर है और हाँ स्मूथ तो चलती है गाड़ी। और यहाँ से हम उतरते हैं फाइनली, अब चलते हैं ऊपर के साइड। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का और कंटेनर हमको कुछ यहाँ इस तरीके के हमको लूट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूट हमको यहीं मिलती है ऊपर के साइड कंटेनर के, जबकि नीचे के साइड आपको बहुत कम लूट मिलेगी। और चलते हैं अपन शिप के ऊपर फटाफट से। और हाँ, आप सभी बताना कि BGMI जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा ऐसे। हाँ, BGMI जैसा थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसे गेम के अंदर गाइस BGMI जैसा ही, आप अगर नहीं होगा BGMI जैसा तो आप बोलोगे कि गेम बढ़िया नहीं है। बट अभी के टाइम थोड़ा तो अलग है BGMI से, थोड़ा लोकेशन वगैरह। तो देख सकते हो यहाँ पर हम यहाँ से ऊपर चढ़ते, थोड़ा यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से चलते ऊपर के साइड और यहाँ से हम चलते शॉर्टकट से ऊपर, और यहाँ से हम चलते हैं अंदर की साइड। ये देखो अंदर से यहाँ पर देख रहे हो शिप कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर मशीन वगैरह है चलाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए शिप को। और यहाँ पर एक हैंडल है, ये देखो हैंडल, ये रहा हैंडल, अपन चला सकते हैं क्या? हैंडल यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो शिप चल पड़ेगी। और यहाँ थोड़ा मार के चेक करते हैं, ये मशीन टूटेगी, ये नहीं टूट रही, मजबूत मशीन है। चलो अब देखते हैं साइड में क्या क्या देखने को मिलने वाला है अपन को। यहाँ पर क्या है, फायर एग्जीबिशन है, और इधर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैसे चलानी है शिप को। ओके, अब यहाँ से देखो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को हमको मिलता है। और देखो सामने एक और शिप है, वो देखो उस साइड एक और शिप है। और रही बात, यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं क्या? यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। चलो यहाँ चढ़ के देखते हैं हल्का सा, ये 1 मिनट। अब देखो यहाँ से चढ़ पाएगा करेक्टर ऊपर? नहीं, यहाँ से नहीं चढ़ सकता। तो यार यहीं तक ही रास्ता ही है, उससे ऊपर नहीं जा सकते शायद ही। आप अगर आ जाना है आपको तो डायरेक्ट यहीं उसके ऊपर ही उतरना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का। हाँ, पानी के अंदर भी चल के देखते हैं कि अभी पानी कितना बेटर किया है। तो देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का, अब चलते हैं हम पानी की तरफ। तो पानी में देखो कुछ इस तरीके का भी हमको देखने में मिलता है, और शिप काफ़ी अंदर तक है यार पानी के, बट ये शिप चल पाती तो और मज़ा आता, बट क्या करें, क्योंकि अगर ये शिप चलने लग गई तो सारे बंदे शिप लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो कुछ ये इस तरीके का टावर है पानी के अंदर, पता नहीं किस काम का टावर है बट पानी के अंदर है अभी। और पानी के अंदर देखो कुछ इस तरीके से करेक्टर तैरता है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ अलग लगी, देखो इस तरीके से तैर रहा, हाथ में आप गन वगैरह नहीं ले सकते पानी के अंदर, बाकी आप आराम से तैरो। देखो पैर कुछ इस तरीके से निकाल रखा, देखो इस तरीके से कुछ और है, इस तरीके से तैरता है ये, देखो मतलब उल्टा तैरता है भाई कुछ इस तरीके से। और हथौड़ा है ना इसका, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे यूनिक लगा, क्योंकि एक हथौड़े में ही बंदा नोक। तो देखो ये कुछ इस तरीके से तैरता है, और पानी के अंदर ऐसा देखने को मिला कि पानी के अंदर तैर रहा है, बट ऊपर से देखोगे तो जैसे लगेगा ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो
तो यही इसके अंदर अपडेट है गाइस, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और देखते हैं इसके बाद जो ओपन बीटा है उसमें कैसा हमको देखने को मिलने वाला। तो होप्स आपको गेम प्ले थोड़ा अच्छा लगा होगा, और ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय।